हेलो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं इन दोनों नोटिफिकेशंस में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आप जरूर वीडियो को एंड तक देखते रहें। इसके अलावा ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डेली वीडियोज अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों पहली जो अपडेट आई है ये आंसर की से रिलेटेड आई है, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2020। इसमें लिखा गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को आंसर की से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है तो वो अपनी ऑब्जेक्शन जो है 1 जून 2023 से लेकर 4 जून 2023 तक अपनी ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकता है, सबमिट कर सकता है। लेकिन साथ में यहां पर हर एक क्वेश्चन के लिए उसको 200 रुपीज जो है एज फी पे करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है वो ये कि आंसर की सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे, उन्हीं बच्चों को आंसर की अवेलेबल की जाएगी जिन्होंने इलेक्शन असिस्टेंट के लिए उर्दू का जो पेपर है उसको क्वालिफाई किया होगा। इसके बाद दूसरी अपडेट भी आंसर की से ही रिलेटेड आई है और ये आई है कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन पटवारी सेटलमेंट पटवारी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। इसके लिए भी कंडीशन यानी डेट जो है वो तकरीबन सेम ही है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को अपनी ऑब्जेक्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी होगी तो वो अपनी ऑब्जेक्शन जो है 1 जून 2023 से लेकर 4 जून 2023 तक अपनी अपनी ऑब्जेक्शन को सबमिट कर सकते हैं और साथ में उनको 200 रुपये हर एक क्वेश्चन के लिए सबमिट करने होंगे, पे करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इस नोटिफिकेशन में भी वही सेम वाला है कि जिस जिस कैंडिडेट ने उर्दू का पेपर क्वालिफाई किया होगा पटवारी सेटलमेंट पटवारी के पोस्ट के लिए उसी कैंडिडेट को आंसर की अवेलेबल की जाएगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन दोनों नोटिफिकेशंस में है जो कॉमन है वो ये कि जो कैंडिडेट्स अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे तो वो पैसे उनको वापस किए जाएंगे, रिफंड किए जाएंगे जिनकी रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन होगी यानी जिनकी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगी, सही होगी। लेकिन जिन कैंडिडेट्स की रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होगी उनको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बाकी आप किस तरह अपना आंसर शीट जो है आंसर की जो है वो चेक कर सकते हैं वो पूरा प्रोसीजर जो है इस नोटिफिकेशन में दिया गया है जो आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आंसर की से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।